गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट मैथ क्लास थर्ड। आज मैं आपको मैथ समझाने जा रही हूँ, छोटा अथवा बड़ा या बराबर। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, उसमें आपको प्रूफ करना है। जो बड़ी संख्या होती है उसका मुंह हमेशा उसी तरफ होता है, जो खुला हुआ मुंह होता है ना, तो बड़ी संख्या की तरफ होता है। और जो पूंछ होती है उसकी, तो वो छोटी संख्या होती है। और बराबर में बराबर, छोटा बड़ा या बराबर आपको भरना है। तो 50 60, तो 50 में 50 छोटी संख्या और 60 बड़ी संख्या। तो हम बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह करेंगे, खुला हुआ मुंह कहाँ करेंगे, बड़ी संख्या पर। फिर दूसरा है 48 और 20, तो 20 छोटी संख्या है, 48 बड़ी संख्या है। तो इसका मुंह हम किधर करेंगे, 48 की तरफ, बड़ी संख्या की तरफ। 49 और 60, तो 60 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 49, तो हम इसका मुंह बड़ी संख्या की तरफ करेंगे। 6 11 और 30, इसमें 11 छोटी संख्या और 30 बड़ी संख्या, तो इसका खुला हुआ मुंह हम 30 की तरफ करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ। 35 और 60, 35 में छोटी संख्या, 60 बड़ी संख्या, इसका खुला हुआ मुंह हम 60 की तरफ करेंगे, 60 की तरफ। 13 और 11 छोटी संख्या, 13 बड़ी संख्या, इसका मुंह खुला हुआ हम 13 की तरफ करेंगे, तो बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर 64 और 28, तो 64 बड़ी संख्या, 28 छोटी संख्या, तो इसका मुंह हम 64 की तरफ करेंगे। 51 और 59, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। 66 66 66 66, ये देखिए सेम संख्या है, 66 66, इसमें हम बराबर करेंगे, ये दोनों बराबर है, 66 और 66। 12 और 9, 9 छोटी संख्या, 12 बड़ी संख्या, तो हम 12 की तरफ इसका खुला हुआ मुंह करेंगे। 23 बड़ी संख्या, 13 छोटी संख्या, 13 छोटी संख्या और 23 बड़ी संख्या, तो हम इसको इसका मुंह 23 की तरफ करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ। 20 और 18 18 छोटी संख्या, 20 बड़ी संख्या, इसका खुला हुआ मुंह हम 20 की तरफ करेंगे। 10 और 50, 10 छोटी संख्या, 50 बड़ी संख्या, इसका खुला हुआ मुंह 50 की तरफ करेंगे। 51 बड़ी संख्या, 20 छोटी संख्या, 20 छोटी संख्या और 51 बड़ी संख्या, इसका मुंह बड़ी संख्या की तरफ करेंगे। खुला हुआ मुंह सदैव बड़ी संख्या की तरफ होता है। 26 26, ये भी देखिए सेम है, 26 भी है और यहाँ भी 26 है, तो दोनों की संख्या बराबर हो गई। फिर 18 और 20, 18 छोटी संख्या, 20 बड़ी संख्या, तो 20 की तरफ इसका मुंह हम खुला हुआ करेंगे। 20 और 20, दोनों सेम ही है, सेम संख्या 20 20, तो यहाँ भी हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 9 और 10, 9 छोटी संख्या और 10 बड़ी संख्या, तो हम इसका खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ करेंगे। और माइनस और गुणा, ये प्लस है, ये गुणा है और ये माइनस, जोड़ गुणा और घटा। घटा में माइनस लगाते हैं, गुणे में हम गुणा करकर निशान लगाते हैं, प्लस में प्लस का निशान लगाते हैं। ये आपका है जोड़, क्या है, जोड़, साधारण जोड़ है।
ग्यारह की है एक हाथ से एक पांच की नाक और एक हाथ से लेके नौ। ये हुआ आपका जोड़। अब ये हुआ घटाव। ये क्या है? घटाव। तो छह में से दो गए, छह में से दो गए चार। बच्चों इसको हम ऐसे भी करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, छह लाइन खींचिए और उसके बाद दो काट दी। तो एक दो तीन चार, यहाँ आपको बचा चार। फिर फाइव में तीन घटाना है हमको, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में थ्री, वन टू थ्री, थ्री हमने काट दिया। कितना बचा? वन टू, यहाँ पे हमको संख्या मिली टू। फिर है फोर, फोर में से दो बताना है, फोर में से दो, वन टू थ्री फोर, फोर में दो हमने काट दिया, तो वन टू, यहाँ पे आया टू। फिर एट में से थ्री घटाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें हम तीन लाइन खींचेंगे काट लेंगे। फिर बचा वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे आया फाइव, यहाँ पे आया फाइव। इसी तरह हम इसको भी करेंगे, भी घटाव है, छह में से दो गए चार, पांच में से तीन गए दो, चार में से दो गए दो, आठ में से तीन गए पांच। फिर एक है गुणा। तो क्या है गुणा? गुणा हम सभी लोग पहाड़ा पढ़ते ही गुणा करते हैं, भाग भी पहाड़ा से ही करते हैं और गुणा भी पहाड़ा से करते हैं। तो हम तीन का पहाड़ा चार में पढ़ेंगे, तीन सौ के बारह दो हासिल एक, तीसरा का अठारह और एक तीन नौ हासिल एक, तीन तीन का नौ, नौ में एक हासिल जोड़ लिए तो पूरा हो गया दस। हम यहाँ पे पूरा दस लिख देंगे। फिर है आठ सौ पैतालीस, आठ सौ पैतालीस में हम छह का पूरा कर लेंगे, तो छह पंच तीस जीरो हासिल है तीन, छह सौ चौबीस, चौबीस सौ के पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, सत्ताईस की दो चार हासिल दो, छह का बारह आठ बार पढ़ेंगे, आठ छह अड़तालीस, अड़तालीस होगा पचास। हम यहाँ पे पूरा पचास लिख देंगे। तो आपका एक हुआ जोड़, एक हुआ घटा और एक हुआ गुणा, और ये हुआ छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या में हमको किधर करके उसका बनाना